कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को एक तरह से बंद कर दिया है, तब 2021 का नया साल कोरोना वैक्सीन की अच्छी खबर लेकर आता नजर आ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को जहां ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है, तब भारत में भी अपनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के तौर पर कोविशील्ड को मंजूरी जल्द दिए जाने की खबरें तेज हो रही है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। कुछ इस तरीके से भारत की पहली वैक्सीन कोविशील्ड दिखने वाली है। कंपनी के मुताबिक ये शीशी 5 ml की होगी, जो हरे रंग में कुछ इस तरह से दिखेगी। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। इस कोरोना वैक्सीन की 2 डोज एक व्यक्ति को लगानी होगी, वहीं 2 डोज के बीच 2 से 3 महीने का गैप रखना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला के मुताबिक पूरे देश को दी जा सके उतनी वैक्सीन हमने तैयार कर ली है। अदार पूनावाला के मुताबिक कोविशील्ड की कीमत भारत सरकार के लिए 222 रुपये प्रति डोज रखी गई है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 800 रुपये के करीब रहने का अंदाज है। अब इंतजार CDSCO की बैठक, जो कल 1 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उसका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के पहले ही दिन भारत को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के रूप में मिलने जा रही है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।